अहम खबर आज की, जिस पर लगातार समाचार प्रेस की नजर बनी हुई है, विधायक घूसकांड का सीबीआई ने संज्ञान लिया है। मदन बिष्ट के स्टिंग पर सीबीआई गंभीर है। स्टिंग के साथ थोड़ी ही देर में सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे समाचार प्रेस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी। स्टिंग के सीडी और डिवाइस के साथ सीबीआई ने उन्हें बुलाया है। समाचार प्रेस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार को बुलाया गया है। इससे पहले भी जो स्टिंग सामने आया था हरीश रावत का, उसको भी सीबीआई ने संज्ञान में लिया था और उसके पूछताछ के लिए भी उमेश कुमार को बुलाया गया था। तो एक और सीडी जो पोल खोल रहा है कि राज्य में इस वक्त कितने बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त कर रही है कांग्रेस, तो सीडी का संज्ञान लेते हुए उमेश कुमार को बुलाया गया है। हरीश रावत के स्टिंग की सीबीआई पहले ही जांच कर रही है और इस वक्त खुद एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उमेश जी, एक और सीडी सामने आई है, पूछताछ के लिए तलब किया गया है, आपको बुलाया गया है। जी, सीडी जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया था जी, उसका संज्ञान सीबीआई ने लिया है। और कल ही मुझे रात में नोटिस आ गया था सीबीआई का कि सुबह 10:30 बजे आप ओरिजिनल फुटेज और डिवाइस के साथ सीबीआई कार्यालय में संपर्क करें जी। तो कुल मिला जी जी जी, तो आपसे जानना चाहेंगे उमेश जी कि कितनी देर में आप निकलेंगे और कब तक? मैं निकल चुका हूँ, मैं तो रस्ते में हूँ ऑलरेडी जी, और जा रहा हूँ अभी सीबीआई कार्यालय ही जी। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से सीबीआई, क्योंकि जो अभी पता लग रहा है सोर्सेस से वो यही लग रहा है कि जो इस स्टिंग ऑपरेशन में जो पहला स्टिंग ऑपरेशन था, जो जिसमें हरीश रावत जी घूस ऑफर करते हुए दिखे थे और विधायकों को घूस उन्होंने जो ऑफर की थी रिश्वत की, आप बस 15 करोड़ ले लें, 10 करोड़ ले लें, आपको मंत्री बना लेंगे, 25-30 करोड़ दे देंगे, कमा लें, हम आंख बंद कर लेंगे, उस स्टिंग को वो नकार रहे थे लगातार। बिल्कुल। और विधि विशेषज्ञों का अब ये कहना है कि इस स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद जो उस स्टिंग के साथ जो तार जुड़ रहे हैं वो ट्रेल पूरी कंप्लीट हो रही है। बिल्कुल। उसमें देने का ऑफर था और यहाँ लेने का पता लग रहा है कि किस किस विधायक ने क्या क्या लिया है जी। तो ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि जितने भी ये विधायक हैं, जिन जिन के नाम लिए गए हैं, ये अब सब सीबीआई के रडार पर हैं। बिल्कुल। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी सीबीआई इनको जांच, क्योंकि जांच पड़ताल तो सीबीआई इनसे करेगी ही करेगी जी, ये तो संभव नहीं है कि इनके नाम आने के बाद सीबीआई इनको तलब ना करे और इनसे पूछताछ ना करे जी। बिल्कुल। ये तो अब जांच का हिस्सा है, क्योंकि जब हम लगातार सीबीआई के बुलाने में एक बार आते हैं तो इनको भी आना पड़ेगा, इनको भी जवाब देना पड़ेगा, सीबीआई को भी, और सबसे बड़ा इन्हें जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया, 25-25 लाख और फॉर्च्यूनर कारें किस लिए ली थी जी। जी उमेश, बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि हरीश रावत को एक मंझा हुआ राजनेता माना जाता था, लेकिन झूठ जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। पहले सीडी सामने आई, पहला रिएक्शन था कि सीडी झूठी है, लेकिन ये सीडी सच्ची थी और सच्चाई साबित थी और खुद भी कहकर फंस गए। तो यहाँ पर जो स्तर गिरा है हरीश रावत का, वो हर नए खुलासे के बाद और नीचे जाता जा रहा है। बागियों पर तो यकीन नहीं था, अपने भी विधायकों पर यकीन नहीं है इनको? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि इससे बड़ी शर्मनाक बात किसी भी पार्टी के लिए नहीं हो सकती कि उसे अपने ही विधायकों को घूस देनी पड़े समर्थन देने के लिए। इस बात से पता लगता है कि उनकी अपनी पार्टी के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी है जी। बिल्कुल। तो हरीश रावत अपनी पोल खुद यहां पर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उमेश जी, इससे पहले एक अच्छा खासा आवरण ओढ़ रखा था और ये बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, अगर मुझसे कहा गया होता तो मैं खुद ही कुर्सी छोड़ देता। अगर ये स्टिंग सामने नहीं आया होता, पहला वाला स्टिंग जहां से पूरी काली कहानी शुरू हुई हरीश रावत की कि लोकतंत्र को किस तरह से वो शर्मसार कर रहे हैं, उसके बाद एक और सीडी सामने आई है जो ये बता रही है कि यहां पर स्तर देखिए आप राजनीति का किस हद तक जा चुका है। पहले यहां बागी विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही थी और अब खुद अपने विधायकों को लेकर भी उन्हें विश्वास नहीं रहा है। तो उमेश जी से हम आगे और बातचीत करेंगे, फिलहाल ये अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि समाचार प्लस एडिटर इन चीफ उमेश कुमार की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि खाली बोलने के लिए कि हम सच्चाई के साथ हैं या फिर कानून को हम सहयोग कर रहे हैं,
वाकई में सहयोग कर रहे हैं। सीबीआई ने जब जब बुलाया है तब तक सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। और आपको बता दें कि जो दूसरा स्टिंग सामने आया है उसमें जो तस्वीरें सामने आई वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक करने वाली तस्वीरें हैं। और ये बता रही है कि जो दावा हरीश रावत लगातार करते आ रहे थे कि मैं बहुमत साबित करके रहूंगा, और देखिए आप किस तरह से जुगाड़ कर रहे हैं, किस तरह से अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब आपने इतने करोड़ों रुपए कमाए हैं तो भाई आपको बांटने में भी दर्द क्यों होगा? तो यहाँ पर यह बात साफ होती है कि आपने खनन के जरिए जो पैसा कमाया है अब उस पैसे का इस्तेमाल आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। और हरीश रावत की जो सच्चाई है अब सबके सामने आ गई है। पहले वाले स्टिंग को लेकर खुद ही उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं था लेकिन मजाक कर रहा था। और एक और स्टिंग सामने आई है, यानी कि जो भी चेहरे पर पर्दे चढ़े थे, जो भी नकाब चढ़ा था हरीश रावत के चेहरे पर, वो एक एक करके उतरता चला जा रहा है। इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राहुल, यहाँ पर आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सीबीआई ने बुलाया है, उमेश कुमार जी गए हैं खुद, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है उसके सामने आने में कहीं कोई रुकावट ना हो। और वहीं हरीश रावत को देखिए, अगर वो सच्चे हैं तो डर क्यों रहे हैं, बार बार बचने की कोशिश कर रहे हैं सीबीआई से। बिल्कुल, जिस इंसान के अंदर झूठ होता है वो कहीं ना कहीं भागता हुआ नजर आता है, और वो नजर आया आज निर्वाचित मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ। हरीश रावत को सम्मन किया गया था, आज उन्हें पहुंचना था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में डर था कि जो सवालों से सामना होगा, जो सब से सामना होगा, तो कहीं वो मैं फंस ना जाऊं, इसलिए हरीश रावत ने आज दिल्ली आना बेहतर नहीं समझा। वो देहरादून में बने हुए हैं, हालांकि उनके प्लान में था, डे प्लान में था कि वो दिल्ली पहुंचेंगे तकरीबन 8:15 के आसपास, लेकिन वो दिल्ली नहीं आए। दूसरी तरफ अगर समाचार प्लस की बात करें, समाचार प्लस की एजेंसी उमेश कुमार की बात करें, तो वो अपने सारे सबूतों के साथ, ना सिर्फ उनके पास जो आज वो सबमिट कराएंगे वो डिवाइस है जिसके जरिए मदन बिस्ट का स्टिंग ऑपरेशन किया गया, बल्कि ओरिजिनल फुटेज भी है, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भी वो तैयार है। और निश्चित तौर से अगर आप जांच की परिधि की बात करें तो बेहद बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो इससे पहले हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन आया था उसमें सिर्फ जांच हो रही थी कि क्या खरीद फरोख्त सरकार को बचाने के लिए की जा रही थी, क्या विधायकों को खरीदा जा रहा था। लेकिन अब मामला ज्यादा बड़ा हो गया। 18 तारीख से पहले भी खनन माफिया के जरिए 28 करोड़ रुपए कमाए गए, उससे पहले भी शराब के जरिए पैसे कमाए गए, और उसके बाद 25 से लेकर 50 लाख अपने विधायकों को, अपने ही विधायकों को अपने पक्ष में बनाने के लिए बांटने की कोशिश की। तो यानी कुल मिलाकर जो उनका 2.25 साल का कार्यकाल है वो पूरा सवालों के निशानों में घेरे में आ गया है। और अब सीबीआई की जांच ना सिर्फ 18 तारीख के बाद होगी, बल्कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनके बाद जो जो कदम उन्होंने उठाए हैं वो सारे जांच के घेरे में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो राहुल, यहाँ पर क्योंकि जो सीडी की सच्चाई इसको लेकर कहीं कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, सीबीआई जांच की मांग की गई थी खुद समाचार प्रेस की ओर से कि भाई आपको अगर कोई शक है तो सीबीआई जांच करा लो, और समाचार प्रेस सहयोग भी यहाँ पर कर रहा है। तो राहुल, ये बताएं, पहले जहां केवल मुख्यमंत्री इस शिकंजे में नजर आ रहे थे, अब बाकी और विधायक भी आ गए, यानी जैसा आपने कहा जो एक घेरा है, जो परिधि है वो लगातार बढ़ते जा रही है, तो पूरे का पूरा कुनबा ही जो एक लूट खसूट कर पैसे कमाए थे हरीश रावत ने अवैध खनन के जरिए, उस पैसे के मजे उड़ा रहा है अभी। निश्चित तौर से अगर देवभूमि उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो ऐसा लगता है कि जो दूसरा स्टिंग ऑपरेशन आया है इसका भ्रष्टाचार की सफाई हो जाएगी। ना सिर्फ वो विधायक, ना सिर्फ वो मंत्री जो शराब के व्यापार में जुड़े हुए हैं, जो अवैध खनन में जुड़े हुए हैं, बल्कि वो अधिकारी भी जो साफ तौर पर स्टिंग में नजर आता है कि 25 लाख रुपए मांगते हैं SSP साहब, उस अधिकारी ने हमें इससे पैसे देने पड़े। तो निश्चित तौर से भ्रष्ट अधिकारियों की बात हो, भ्रष्ट मंत्रियों की बात हो, भ्रष्ट अफसर चाहे या फिर नौकर चाहे या फिर सरकार के लोगों की बात हो, उन सब का सच उजागर हो जाएगा, क्योंकि स्वतः संज्ञान लिया है सीबीआई ने दूसरे स्टिंग ऑपरेशन का। तो लिहाजा जो अब जांच का दायरा है वो पूरे उत्तराखंड का भ्रष्टाचार हो गया है, ना सिर्फ हरीश रावत। बिल्कुल। तो राहुल, जो अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश शुरुआत में कर रहे थे, और कांग्रेस को अगर हम देखें, उसके केंद्रीय नेतृत्व को भी हम देखें, तो लगातार हमले कर रहे हैं कि भाई किस तरह से यहाँ लोकतंत्र का गला घोटा गया है। तो अब जनता देख रही है, ज्यादा जो सच्चा होता है उसको चीखने की जरूरत नहीं होती, और जो झूठा है उसे बार बार अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इस तरह का हल्ला मचाने की जरूरत पड़ती है, जो कांग्रेस कर रही है। निश्चित तौर से अगर राहुल गांधी की बात करें, हालांकि राहुल गांधी ने मंच नहीं साझा किया, अगर हरीश रावत की बात करें, जब दिल्ली में रैली होनी थी उससे कुछ घंटे पहले हरीश रावत देहरादून के लिए रवाना हो जाते हैं, तकरीबन 1 बजे के आसपास रास्ते रवाना हो जाते हैं। तो निश्चित तौर से आला कमान या राहुल गांधी नहीं चाहते, जिस तरीके से उन्होंने बिहार में मंच साझा करने से लालू यादव के साथ इनकार किया था, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले थे, तो ऐसा ही इनकार किया गया है राहुल गांधी की तरफ से हरीश रावत के साथ मंच साझा करने की। तो ना सिर्फ आला कमान हरीश रावत से अपनी
दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है कि बिल्कुल जो मन से बयानबाजी हुई उसमें भी हरीश रावत का जिक्र बहुत कम हुआ, समाचार पत्र सिंह का नाम नहीं लिया गया, बल्कि जो उत्तराखंड की जनता है वो भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि किस तरह के ऑपरेशन आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार का गढ़ उत्तराखंड में बन गया है। बिल्कुल राहुल, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती, और भले ही कुछ भी कहते रहे यहाँ पर कांग्रेस जो भी पैंतरे अपनाए, लेकिन जनता देख रही है कि भाई देखिए आपके राज्य को लेकर क्या कुछ विचार रखते हैं, और कुर्सी कितनी ज्यादा प्यारी है हरीश रावत को। फिलहाल इस बीच आपको बता दें कि जो ये विधायक घूसकांड की सीबीआई है उसका सीबीआई ने संज्ञान लिया है। घूसकांड में शामिल सभी विधायक अब सीबीआई के रडार पर है। मदन बिष्ट के स्टिंग के बाद सभी विधायकों को सीबीआई ने रडार पर ले लिया है, और किसी भी वक्त इन विधायकों को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। सीबीआई किसी भी वक्त विधायकों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि जो इनके नेता हरीश रावत की हम बात करें, वो बचते फिर रहे हैं सीबीआई की पूछताछ से। आज आना था उनको, लेकिन जैसा कि पहले भी उन्होंने दरखास्त की थी, उस वक्त सीबीआई ने साफ इनकार कर दिया कि आपको जिस दिन बुलाया गया है सोमवार को आपको आना ही होगा। और आज आपको बता दें, जबकि आने का दिन था आज, लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो घूसकांड में शामिल जो बाकी विधायक है उनमें हड़कंप मच गया है, क्योंकि कोई भी ऐसे अपाप नहीं है कांग्रेस के जो जनता से छिपे हैं। और समाचार प्रेस जो लगातार सच्चाई सामने आ रहा था, तो उसने दिखाया कि देखिए भाई, जो अपने आप को एक जिंदा शहीद साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप को राज्य का हितैषी बता रहा है, जो अपने आप को राज्य का सबसे ज्यादा शुभचिंतक बता रहा है, असलियत में उसे केवल और केवल अपनी ही चिंता है। अपना खजाना भरा, और अब उस खजाने में से कुछ जो अंश है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लुटाया जा रहा है। तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि उत्तराखंड का हित आखिर क्यों नहीं हो पाया। तो जो सियासी अपडेट राज्य में चल रहा है, जो सियासी संकट चल रहा है, उस पर अपडेट हम लगातार आपको दे दें। आपको एक बार फिर से बता दें कि क्या कुछ राज्य में होने वाला है। 10 मई को यानी कि कल विधानसभा में फ्लो टेस्ट होगा। 10 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राष्ट्रपति शासन हट जाएगा, और इस दौरान ही फ्लो टेस्ट होगा, यानी कि बहुमत साबित करना होगा। और वहीं आज निगाहें नैनीताल हाईकोर्ट में भी रहेंगी, क्योंकि हाईकोर्ट तय करेगा कि बागी विधायक फ्लो टेस्ट में वोटिंग कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर उनकी सदस्यता जाती है तो फिर वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। आज सीबीआई के सामने हरीश रावत पेश नहीं हो रहे हैं, जैसा हमने कहा बचने की कोशिश लगातार हो रही, जबकि समाचार प्रेस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जो है वो पहुंच चुके हैं सीबीआई के दफ्तर में, निकल चुके हैं वहां के लिए, और वो तमाम बातें बताएंगे और सहयोग करेंगे। इससे पहले अगर हम स्टिंग की बात करें, तब भी जब भी सीबीआई ने तलब किया है बगैर देरी किए सीबीआई के एक बुलावे पर पहुंचे उमेश कुमार, और वहां पर जो सच्चाइयां हैं वो रखी है सामने। और इस बार भी जो दूसरी सीडी सामने आई उसमें भी जब सीबीआई ने तलब किया है, तो जो भी सीबीआई को उन्होंने वहां पर सीडी सौंपनी है, जो फुटेज सौंपने हैं, वो लेकर पहुंचने के लिए निकले हैं उमेश कुमार जी। तो ये फर्क होता है सच्चाई में और झूठ में। अगर आप सच्चे हैं तो फिर आपको किसी भी स्तर की जांच हो जाए डर कैसा, और अगर आप झूठे हैं तो आप छोटी सी छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी जांच हो उससे बचने की कोशिश जरूर करेंगे, और यही हो रहा है। फिलहाल उमेश कुमार को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, और स्टिंग की जो सीडी है और डिवाइस है वो उमेश कुमार सीबीआई को आज सौंपेंगे। तो हमें पता है सच्चाई क्या है, इसलिए डर किसी बात का नहीं है। तो जो ये स्टिंग अब एक और नई सामने आ गई, इस पर क्या कुछ रिएक्शन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, वो आपको दिखाते हैं जरा। भारतीय जनता पार्टी कहे के लिए उनका स्टिंग कराई गई, उनके विधायक सुधी त्रस्त हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अब वो जब उनका विधायकों का ही उन पर विश्वास नहीं रहा है तो वो अपने विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो जब वो खुद ही अपने विधायकों की भी उनको खरीद फरोख्त करनी पड़ रही है, तो ये दुर्दैव है इस देश का कि इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस आज भी उनको अपना नेता बनाए रखी है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद कांग्रेस वहाँ अपनी तरह पूरी ही अंतिम क्रिया करने के लिए बैठी है, नहीं तो मैं सोचता हूँ कि अब तक कांग्रेस ने भी खुद सोचना चाहिए था कि जो चीफ मिनिस्टर अपने ही विधायकों की खरीदारी कर रहा है वो तो एक पल के लिए भी वहाँ का नेता बनने लायक है ही नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमने प्रार्थना करी है, जो फ्लोर टेस्ट का आदेश आपने दिया है वो किस तरह से विधायकों को खरीद खरीद के ये लोग फ्लोर टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं, क्या ऐसे में लोकतंत्र बच पाएगा, इस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हमको यूट्यूब से या फिर कहीं से सीडी उपलब्ध होगी तो गांव गांव में दिखाएंगे, ताकि ये जो बेनकाब हुए हैं इनका नकाब गांव घरों में गली कूचों में भी बिल्कुल से उठ जाए। देखिए हरीश रावत आमादा है किसी तरह से बहुमत सिद्ध करने के लिए, चाहे उसके लिए लोकतंत्र की हत्या करनी हो, चाहे कानून का उल्लंघन करना, चाहे उत्तराखंड की मर्यादाओं को तार तार करना, वो केवल किसी तरह से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। पूरी तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर, ऐसे व्यक्ति के ऊपर
बिल्कुल आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करी जानी चाहिए और उत्तराखंड के अंदर देवभूमि का जिन्होंने नाम कलंकित करने की कोशिश की है ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर जेल जाना चाहिए। तो राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप झूठे आरोप लगाकर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगते थे, यहाँ तो आपके लाडले हरीश रावत जी पूरी तरह से संलिप्त हैं, किस तरह से वो देवभूमि का सौदा कर रहे हैं, करोड़ों की बातचीत कर रहे हैं खनन माफिया के साथ, किस तरह से साठगांठ है, तो आपकी क्या डील है हरीश रावत जी के साथ? राहुल जी आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? और अब उनका जेल जाना तय है क्योंकि जिस तरह के संगीन आरोप उन पर साबित हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया, तो अब उनको फ्लोर टेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उससे पहले ही राहुल गांधी अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कानून तो अपना काम करेगा और कानून में पहली दृष्टि में लगता है कि उनका जेल जाना तय है।